नमस्ते, राजारे नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्सियम। और आज हम लोग स्टार्ट किए हैं लेक्चर नंबर 4। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कूलम्स लॉ के एस्पेक्ट्स के बारे में, कूलम्स लॉ के वेरियस डायमेंशंस के बारे में, कूलम्स लॉ कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे बिगिनिंग से लेकर के टॉप मोस्ट पॉइंट तक हम लोगों ने स्टडी किया था। तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या क्या रहा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा 1/4πε0 अगर हवा है तो, अगर अगर कोई मीडियम है तो εr आ जाएगा जिसका कि, और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो वो भी यूज हो सकता है यहाँ पर। तो Q1 Q2 r2, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये दो चार्ज के ऊपर में, है ना। और ये न्यूटन्स लॉ को ही फॉलो करेगा, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटता है, ये सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया हुआ था। और जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अट्रैक्शनल था ग्रेविटेशन वाले में, यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सिव दोनों कंडीशन है यहाँ पर। हम आज कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आज बेसिकली न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों के ऊपर स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर एक ऐसा सिस्टम है, एक सर्कुलर सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, और यहां पर हम कह देते हैं कि माइनस में क्यू चार्ज है और यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर ये चार्ज किसी भी वेलोसिटी से एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हमको बताओ इसकी स्पीड कितनी है। और ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल जो अट्रैक्शनल फोर्स है यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत है? तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन माइनस क्यू एंड क्यू, ठीक है। तो दोनों में फोर्स कितना लगेगा, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा वो कितना फोर्स लगेगा। चलो हम इसी के ऊपर थोड़ा और स्टडी करके देख ले कि अगर ये हमारा माइनस क्यू थोड़ा उधर गलत जगह पहुंचा दिए, ठीक है, हम एक काम करते हैं माइनस क्यू यहां बना देते हैं, है ना, तो ज्यादा बेटर होगा। यहां माइनस क्यू है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी भी, तो ये क्यों लग रहा होगा इसे, क्योंकि हम ये कह सकते हैं इस माइनस क्यू पर इस प्लस क्यू कारण कोई अट्रैक्शनल फोर्स से लग रहा होगा, तो इस कारण से यहां पर एक बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा mv2/r। और ये अगर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर ये दोनों बराबर होता है तो रेडियस जो इसका कांस्टेंट रह जाएगा, और तब ये कांस्टेंट भी वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में चलते रहेगा, सर्कुलर मोशन में है। तो ये तो चीज हम लोग को समझ में आता ही है। इज इट ओके? तो यहां पर क्या कर देंगे, fe जो है वो mv2/r के बराबर है, और एफ ई का वैल्यू तो समझ में आता ही है के क्यू, और यहां पर हो गया दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर का होल स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, आर से आर खत्म हो गया, तो यहां से वेलोसिटी भी निकल ही गया यहां से। तो के जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन एम आर का रूट, ये हो जाएगा वी वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी से चलेगा। सिंपल है, बहुत आसान था सवाल, ठीक है, ये छाप लो, ठीक है, इरेज करते हैं, दूसरा सवाल के ऊपर बात करते हैं। अगर हम मान लें कि इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है कि अगर यही सर्कुलर पाथ था, है ना, और यहां पर इस बार हम दो चार्ज को रख दिए, है ना, बेसिकली दो नहीं तीन चार्ज रख दिए, एक यहां चार्ज रख दिए और एक यहां चार्ज रख दिए, और तीनों ही प्लस क्यू चार्ज है, चलो माइनस क्यू ही रख लेते हैं, ठीक है, और बीच में हम एक प्लस क्यू चार्ज रख लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा ये कह रहा है कांस्टेंट फिक्स रेडियस आर है, और तीनों ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो तीनों का कांस्टेंट जो वेलोसिटी है भी वो हमको बताओ कि कितना है। तो हम ये समझना चाहते हैं आखिर ये कैसे चल रहा होगा, तो हम ये कह देते हैं ये माइनस क्यू वाला
है ना, ये माइनस क्यू वाला इस वाले माइनस क्यू को इधर की तरफ पुश कर रहा होगा, और ये माइनस क्यू वाला इधर की तरफ इसको पुश कर रहा होगा, और दोनों ही क्योंकि डिस्टेंस सेम हो जाएगा। अब डिस्टेंस क्यों सेम होगा, वही सोशल डिस्टेंसिंग है ना, कोरोना कोरोना लॉकडाउन है ना, दूर रहो मेरे से, एकदम दूर रहो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहो, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का नहीं बना देगा ये, ठीक है, एकदम दूर रहो है ना, इसे टाइप का हो जाएगा। मान लेते इसका डिस्टेंस एल हो गया, और ये अगर डिस्टेंस आर है तो ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस एल निकालने के लिए, चलो हम थोड़ा फिर से बनाते हैं यहाँ पर, ऐसा हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। हम नीचे वाला पिक्चर बनाते रहे ताकि समझ में आ जाए। मान लेते ये एच हो गया तो ये एंगल 60 डिग्री होगा क्या, ये एंगल 30, अरे भाई ये पूरा का पूरा 60 डिग्री है, तो 30 30 तो गए ना, ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल सकें तो मेरा काम बन सकता है। तो ये आर का कॉस 30 डिग्री हो जाएगा है ना, ये डिस्टेंस आर का कॉस 30 डिग्री, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2R cos 30 डिग्री है ना, तो ये हो गया एल का वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा R√3, एल का पूरा ये वैल्यू आ गया, इज दैट ओके। और दूसरा नंबर में हम ये कह सकते हैं कि इस दोनों ने भाई रिपेल किया, ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, जिसका वैल्यू एफ डैश हो जाएगा। तो पहले तो हम एफ निकाल लेते हैं, एफ कितना है, एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इस दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स q² अपॉन इन दोनों के जो डिस्टेंस एल है, तो एल का होल स्क्वायर, के का लिख सकते हैं 1/4π ε₀ q² अपॉन एल के जगह पे R√3, यानी कि R² × 3, सिंपल हो गया, इतना हो गया। और एफ डैश के जगह पे क्या लिख सकते हैं, k q q अपॉन R² का होल स्क्वायर, ये ना जाएगा। अब ये दोनों फोर्स है तो ये दोनों बीच एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इधर ही बनना है, तो 2f cos 30 डिग्री याद है, पढ़े थे वो रिजल्टेंट बनने वाला। तो जो एफ नेट आने वाला है इस सिस्टम पर एफ नेट ये कितना बनेगा, 2f cos 30 डिग्री बनेगा। तो एफ नेट इसका इतना होना चाहिए कि ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तभी अट्रैक्टिव रहेगा, ये खिंचाए रहेगा। पता चला गलती से ये दोनों ज्यादा फोर्स लगा दिया, इधर ही निकल लिया चार्ज, इधर रुका ही नहीं है ना, इस चक्कर में इसके पास जो भी फोर्स बचेगा वो फोर्स इसके पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके इंटरनल फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए। तो हम ये कह देंगे कि एफ नेट जो भी लगना चाहिए वो इसके mv² / r के बराबर होना चाहिए, एफ नेट ही यहां पर प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ डैश माइनस में 2f cos 30 डिग्री इज गेटिंग एज mv² / r। तो एफ डैश क्या था, ये था ना, तो 1/4π ε₀ q q/r² माइनस में 2f के जगह पे क्या लिख सकते हैं, q² r² × 3, ठीक है, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 = mv² / r, ठीक है। सॉल्व कर लोगे यहां से, वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा, क्या हम सॉल्व कर दें, देखो 2 से 2 खत्म हो गया, और यही है हमारे पास, क्या क्या आ रहा है बेसिकली, सॉल्व कर लेना जी, अब बस वही उसी तरह से यहां से एक आर खत्म हो गया, सॉल्व वो करना पड़ेगा। छी 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 1/4π ε₀, और क्यू भी बाहर आ गया यहां से, और आर भी बाहर आ रहा है, तो यहां से आ रहा है हमारे पास क्यू माइनस में q√3/3 r है ना, r ही आया तो यहां से r नहीं आएगा, इज इट ओके। और m नीचे आ जाएगा, यहां से ये पूरा का पूरा रिजल्टेंट आ गया is equal to v का होल पावर 1/2, दैट्स योर वेलोसिटी v, सिंपल हो गया, छाप लो, बहुत सिंपल सवाल था। यहां पर बस हमने क्या किया कि तीनों चार्ज के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लग रहा था उसके कारण हमने नेट सेंट्रीपेटल फोर्स बनवा दिया इसको, और उसको भाई बोला कि वहां से वेलोसिटी निकाल लिए, कोई दिक्कत, छाप लो। इस सवाल में क्या कह रहा है कि दो चार्ज है हमारे पास 10⁻⁷ कूलम्ब का, ठीक है, मतलब 0.8 × 10⁻⁷ कूलम्ब, ये भी आइडेंटिकल है दोनों का, दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव ही चार्ज है, ठीक है, और दोनों ही 5-5 ग्राम का है, और दोनों 10 सेंटीमीटर पर में रखा हुआ है, जमीन पर रखा हुआ है, और जमीन जो है
कुछ रफ सरफेस है, तो कह रहा है कि ये रुका हुआ है, इसमें एक्सलरेशन नहीं आ रहा है, तो बताओ म्यू कितना है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे आ रहा होगा, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो सिंपल सा चीज दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये चार्ज इसको बोलेगा भाई तुम इधर निकल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लगा देंगे, सरफेस बोल रहा होगा हम तुमको निकलने नहीं देंगे क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर पीछे से फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे, और ये दोनों अगर बराबर हो गया तो मामला ठीक ठाक है, समझ में आ गया कुछ है मतलब इसमें, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा इसके बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू एम जी, है ना, म्यू इंटू एम, और ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, इसका चार्ज, इसका चार्ज -7, दूसरा चार्ज -7 अपॉन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 × 10 और ये सेंटीमीटर बाय 100 करेंगे तो वो दोनों ऊपर ही चला जाएगा। ये दो तो खत्म हो गया, म्यू का वैल्यू हमको निकालना है, ये मास दिया है 5 ग्राम और जी का वैल्यू हो गया 10 × -, में कितना हो गया जी 9 होता है यहाँ पर, क्या लिख रहा है, × 10⁻⁴ × 10⁻² एक खत्म हो गया, तो म्यू का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻²⁻½ और यहां से आ गया −3 × 10⁻²⁷, तो कितना हो गया 9 × 5 × 10⁻⁹, तो बेसिकली हो गया 9/50, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 9 × 18/100 हो जाएगा, 0.18 आ रहा है म्यू का वैल्यू, है ना, ये हो गया आंसर म्यू का। सिंपल था, बहुत इजी सवाल था, बस हम एक छोटा सा सवाल करवा रहे ताकि तुम लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आने लगे कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। सिंपल मैकेनिक्स है जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ था, बस फोर्स का नाम बदल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आता है, जो पीछे काम किए थे सारा चीज वही है, कुछ भी नया नहीं हुआ। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, म्यू इनटू एन होता है, एन की जगह पे यहां पर नॉर्मल डिक्शन क्या हो जाएगा, है ना, ये नॉर्मल डिक्शन ऐसे हो जाएगा जो कि यहां पर एम जी की तरह काम कर रहा होगा, यहां पर भी नॉर्मल डिक्शन वही होगा, तो किसी मास है एम जी। ठीक है, समझ में आ गया, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो ये सवाल दिख रहा है उसमें हम ये कह सकते हैं, क्या कह रहा है इसमें कि दो चार्ज है, एज्यूम कर लेते हैं कि पहले का चार्ज है एक्स और दूसरे का चार्ज है मान लेते हैं वाई। ठीक है, वो क्यू वन क्यू टू में थोड़ा हमको दिक्कत हुआ, इसमें हम इस सवाल में हम एक्स और वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई है दोनों डिफरेंट है और दोनों शुरुआत में कह रहा है कि इस कंडीशन में अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि अट्रैक्शन कर रहा है इसमें। ठीक है, और हमने इसको किसी भी डिस्टेंस पर रख दिया हुआ है, तो जब अट्रैक्शन कर रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा कि पहला चार्ज एक्स है दूसरा चार्ज वाई है, दोनों में डिस्टेंस डी स्क्वायर हो गया। कर रहा है फिर बाद में दोनों को हमने कॉन्टेक्ट में ला करके, दोनों आइडेंटिकल है, शेप में आइडेंटिकल है। ठीक है, चार्ज का वैल्यू सेम नहीं है, बस आइडेंटिकल शेप का बॉडी है। जब हम दोनों को कॉन्टेक्ट में ला करके फिर से सेम डिस्टेंस पर रख दिया, दोनों रिपेल करने लगे, ऑब्वियसली जब दोनों में हम कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन जब होगा दोनों में, हम बताए थे कि दोनों में सेम चार्ज चढ़ जाता है और सेम टाइप का भी चढ़ता है। ठीक है, दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो इस पे कितना आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है ये प्लस में होना चाहिए और ये माइनस टाइप का होना चाहिए, दिमाग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ये। दूसरा बात क्या लिख सकते हैं इस पे, दोनों में अब क्या चार्ज आएगा, तो दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देंगे, इसका चार्ज आएगा, यानी कि इस दोनों का x माइनस में y बाय 2 हो जाएगा इस वाले का चार्ज, और दूसरे का भी हो जाएगा x माइनस y बाय 2। ठीक है ना, अब ऐड कर किए हैं मतलब वही x माइनस y बाय 2, इसका भी x माइनस y बाय 2, दोनों में सेम तरह का चार्ज आ चुका है, और दोनों का फिर से हमने d डिस्टेंस पर रखा, तो कहता है अब जो है ऑब्वियसली यहां पर रिपल्जन हो जाएगा, रिपल्जन जो हो रहा है उस कंडीशन में जो फोर्स आ रहा है वो फिर से वही है जो पहले निकाले थे, के एक्स माइनस में वाई बाई टू इंटू एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस में वाई बाई टू अपॉन डिस्टेंस डी का होल स्क्वायर। तो बताओ कि एक्स और वाई का रेशियो क्या है, एक्स बाय वाई का रेशियो, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हम दोनों के फोर्स को बराबर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, के एक्स वाई अपॉन डी स्क्वायर, के एक्स माइनस में वाई बाई टू
का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर खत्म हो गया, के से के खत्म हो गया, तो एक्स इंटू वाई यहाँ से फोर आ जाएगा इधर, इधर हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखें तो फोर एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में टू एक्स वाई। तो सॉल्व करने से हमको दिख रहा है यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस सॉरी जीरो इक्वल टू, इसको उधर भेज दे रहे हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस में सिक्स एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम कह देते हैं ए का वैल्यू ना एक्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना चाहते हैं, ए का वैल्यू हो गया वन, तो बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस में सिक्स वाई और सी का वैल्यू हो जाएगा पूरा का पूरा वाई स्क्वायर। तो अगर हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे क्या होता है माइनस में बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय टू ए, है ना, ये होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या माइनस में बी, बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस में सिक्स वाई प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी, यानी कि थर्टी सिक्स वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया माइनस में फोर ए सी यानी कि वन इंटू वाई स्क्वायर, है ना, फोर ए सी वन इंटू वाई स्क्वायर अपॉन टू ए ए की जगह पे वन, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करें यहां से तो एक्स इज गेटिंग एज सिक्स वाई प्लस माइनस में रूट ओवर 36 में से 4 चला गया तो 32 हो गया, 32y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो 6y प्लस माइनस में 8 4 जा 32 होता है क्या, तो 2 तो कम से कम बाहर आ रहा है, तो 2 इंटू रूट 8 इंटू वाई अपॉन 2, 2 से खत्म हो जाएगा कम से कम, 3y प्लस माइनस में रूट 8y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अपॉन y का वैल्यू हो गया 3 प्लस माइनस में रूट 8, ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो एक x का दूसरा अगर y का वैल्यू अगर हम माइनस रख लेंगे यहां पर से, है ना, तो अगर पहला रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x बाय y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। तो एक तो भाई माइनस पुट कर लेंगे इसमें यहां पर, है ना, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस में थ्री अब प्लस माइनस में रूट एट हो जाएगा, है ना। दिस इज योर आंसर, कहां लिख दीजिए, दिखा कि नहीं दिखा, देखो माइनस हम मल्टीप्लाई किए हैं बस क्योंकि हमको माइनस भी चाहिए वाई ना, तो हम इस पूरे को माइनस कर ले रहे हैं, है ना, दिस इज योर आंसर, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या कह रहा था कि भाई दो चार्ज है, दोनों का चार्ज अलग अलग है ऑब्वियसली, लेकिन आइडेंटिकल शेप का है, मतलब जिस शेप का ये बॉडी चार्ज है उसी शेप का ये भी है। तब हमने दोनों को जब हमने बाउंड इन कॉन्टेक्ट में लाया तो कॉन्टेक्ट लाएंगे दोनों का सम करके आधा बताए थे हो जाता है ना, दोनों का सम करके हमने आधा कर दिया और दोनों को फिर से सेम डिस्टेंस पर रखे तो दोनों में फोर्स सेम लग गया। एक सवाल कह रहा है कि भाई जो यहाँ फोर्स लग रहा था वही फोर्स यहाँ भी लगा है, तो हमने दोनों फोर्स को बराबर किया, कैलकुलेट किया, एक्स और वाई का हमको रेशियो आ चुका है, यही था सवाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि जो अगला सवाल है उसमें क्या रहा है, यहां पर हमने दो चार्ज रख दिया हुआ है, एक है Q1 जिसका मास है m1। देखो ध्यान से, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये, ठीक है, और बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें, ठीक है। और ये प्लस चार्ज है और दूसरा यहाँ पर कोई माइनस में Q2 चार्ज है, इसका वैल्यू है m2, ठीक है, और हमने इसको किसी r डिस्टेंस पर रख दिया हुआ, इनिशियली रेस्ट पर था रखे हुए, और तभी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा दे रहे हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E सेट कर दे रहे हैं यहां पर, जिससे कि इसके बीच में कोई है ना, जिसके बावजूद, ठीक है, इसके बीच में कोई म्यूचुअल एक्सेलरेशन नहीं है, है ना, ये कह रहा है म्यूचुअल एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब जो ए रिलेटिव आएगा या फिर ए अप्रोच या फिर जो भी सेपरेशन या फिर ए सेपरेशन जो भी होने वाला है या ए रिलेटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो हम कहीं से लगा दिए ई एक्सटर्नल फील्ड लगा दिए, तो कह रहा है कि ई का वैल्यू कितना है, सॉरी किधर है ये जानना है, और सेकेंड नंबर में हमको जानना है कि डिस्टेंस इस दोनों के बीच में कितना रहेगा तब जबकि ये चीज होल्ड करता है, तब है ना, जब हम ई लगा दिए हैं तब हमको ये बताओ कि ये आर का वैल्यू कितना होगा,
तो पहले कंडीशन पे ही बात कर लेते हैं, है ना, एज्यूम कर लेते हैं केस नंबर वन, है ना, केस नंबर वन के ऊपर ही बात करते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तभी समझ में आएगा, धीरे धीरे करके अब और चीजों को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे सवाल में, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं यहां पर हमने एक प्लस क्यू वन चार्ज रखा हुआ और ये एम वन है, और यहां पर माइनस में क्यू टू है और एम टू है यहां पर चार्ज रखा हुआ, और बाहर से हम एज्यूम करते हैं इधर की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसके बीच का सेपरेशन वगैरह नहीं हो, अच्छा सेपरेशन नहीं हो और ये नहीं हो, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्सेलरेट करता है और ये भी एक्सेलरेट करता है, और अगर दोनों का एक्सेलरेशन कुछ इस तरह का हो जाता है अप्रोच कर जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन कुछ इधर हो जाता है तो सेपरेट कर जाएगा, अगर हम कहें कि दोनों का एक्सेलरेशन या तो इधर रहे या इधर रहे, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेटिव एक्सेलरेशन या फिर अप्रोच या सेपरेशन नेम का चीज नहीं होगा, यानी कि दोनों का सेम ही एक्सेलरेशन सेम ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन का इस कंडीशन में हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन वन जो होगा वो एक्सेलरेशन टू के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तब हम निकालना चाहते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा होगा। तो पहले कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, तो ये जो प्लस क्यू वन है ना, सबसे पहले तो इसके कारण बात करते हैं, प्लस वाला इस माइनस वाले को तो बोल रहा होगा भाई तुम इधर फोर्स लग जाओ इसे, ठीक है, प्लस वाला इस माइनस वाले को तो बोल रहा होगा, हाँ पहले इस पर बात कर लेते हैं फिर देखेंगे क्या हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है तो इस पर फोर्स की तरह लगेगा, क्यूई पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसका नाम होता है क्यूई, तो एक फोर्स लगेगा क्यूई, किधर लगेगा, तो प्लस वाले चार्ज के ऊपर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है लेकिन निगेटिव वाले पर उल्टा लग जाएगा, तो उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा क्यू टू इंटू ई इधर की तरफ, तो इसका एक्सप्रेशन हमको दिखेगा इधर की तरफ, ठीक है। अब चलो इसके ऊपर बात करते हैं, इस प्लस वाले को इस माइनस वाले ने बोलना है भाई तुम इधर आ जाओ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाले को बोलेगा कि क्यू ई हम फोर्स लगा देंगे वो इधर की तरफ, ये प्लस है, प्लस वाले के ऊपर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लग जाता है, इधर की तरफ फोर्स हो जाएगा क्यू वन इंटू ई लग जाएगा। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, तो यहां पर ए अप्रोच तो होने वाला है, जीरो नहीं होने वाला है, ये मेरे लिए किसी काम का कंडीशन नहीं बना, ठीक है, पहला बात तो समझ में आ गया, यानी केस वन किसी तरह से होल्ड हमको नहीं करवाना है, हमको बात करना था केस टू, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को बदल देंगे, तब देखते हैं क्या हो रहा होगा, है ना, यहां से समझ में आ गया, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है। हम अगले कंडीशन पे बात करेंगे, प्लस क्यू वन है और एम वन है, यहां पर माइनस में क्यू टू है और एम टू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बदल दे रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है। अब हम कहते हैं इस वाले के ऊपर, ये प्लस वाला माइनस वाला इसका कहानी तो भाई इधर ही होने वाला है, जो फोर्स लगेगा एफ, इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर हो चुका है, इस पर फोर्स लगेगा क्यू वन इंटू ई इधर की तरफ लगने वाला है, ठीक है, तो इस पर इधर का मामला ऐसे बनेगा, और अगर हम इस वाले पर बात करें तो इस वाले पर तो फोर्स तो इसके कारण इधर ही लगेगा, प्लस वाला इस माइनस वाले को इधर खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो नहीं लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर ही लग सकता है यहां पर, तो क्यू टू इंटू ई यहां पर लग जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक बात, एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब इस कंडीशन में हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन बराबर हो जाए, मान लेते हैं, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इधर ही है और इसका भी एक्सेलरेशन इधर ही है, अब मान लेना चाहते हैं, ठीक है, इधर की तरफ ही या फिर इधर ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्सेलरेशन ए वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी फोर्स नेट आने वाला है इस पर अब बाय मास, तो फोर्स नेट क्या आने वाला, एफ माइनस में क्यू वन ई, एफ माइनस में क्यू वन ई अपॉन मास है एम वन, ठीक है, जिसकी वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू टू इंटू ई माइनस में एफ अपॉन एम टू के बराबर हो जाएगा, सिंपल हो गया यहां से। तो हमको आर चाहिए था, इस फोर्स के में होता है आर, है ना, चलो एक बार मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लेते हैं, यहां से एम टू इंटू एफ माइनस में एम टू इंटू क्यू वन इंटू ई इज इक्वल टू क्यू टू ई एम वन माइनस में एम वन इंटू एफ, एफ के लिए हम इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो हो जाएगा एम टू इंटू एफ प्लस में एम वन इंटू एफ इक्वल टू क्यू टू एम वन इंटू ई प्लस में क्यू वन एम टू इंटू ई, एफ
कॉमन निकाल लेंगे तो एम के आपके जो क्या लिखते हैं 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square और यहाँ से गया m1 plus m2 = यहां से भी दिख रहा है e कॉमन आ रहा है, तो अगर हम लिख सकते हैं यहां से q2 into m1 plus q1 into m2 और r हमको यहां दिख रहा है ना, तो r हम इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, मेरा आंसर आ चुका है। तो यहां से क्या आ जाएगा q1 q2 m1 plus m2 upon 4 pi epsilon naught into e into m1 q2 plus m2 q1, है ना, इतना आ गया। आर स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर की तरफ, ये रूट का मतलब हाफ हो गया इक्वल टू आर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये था, सिंपल सवाल था, थोड़ा एक अप्रोच लगा दिए हम इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो ठीक है, एक बार ट्राई करो, नहीं समझ में आता है तो फिर पूछ लो टेलीग्राम पे, है ना, हम है जहाँ तक। अब एक चीज हम लोग जानते हैं बॉयंट फोर्स, है ना, तो पहले वही चीज समझ लेते हैं बॉयंट फोर्स, है ना, ये क्या होता है। तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि एक लिक्विड है, इस लिक्विड में अगर एक बॉडी को हम रख दिए, इसका डेंसिटी मान रहे सिग्मा है और लिक्विड है रो, इसका वॉल्यूम है वी, इसके ऊपर जो फोर्स, इसका जो वेट होगा नीचे होगा और बॉयंट फोर्स ऐसे लग रहा होता है पी। ठीक है, तो वेट क्या होता है, पहले हम पहले वेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, एम जी, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, ये हो गया इसका वेट। बॉयंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड, है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड होता है हमारा बॉयंट फोर्स। तो वेट बराबर इसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड लिखेंगे तब, इंटू जी हो जाएगा एम जी, तो मास की जगह क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, रो भी जी हो जाएगा बॉयंट फोर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अभी क्या कह रहा है, एक कंडीशन है ना, पहले इसको कॉपी कर लो, दो तीन चीज है, फटाक से कॉपी करो, फटाक से सब पढ़े हुए रूट में 11th में ही। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है अभी, है ना, ये सवाल बहुत फेमस है इसलिए करवाते हैं, इंक भी ना, रुको, तो देखो क्या है कहानी, क्या कह रहा है कि दो कंडीशन है, पहले समझ लेना। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर हम एक थ्रेड से यहां पर एक छोटा सा चार्ज, इसका वैल्यू है क्यू और इसका मास है एम, एक और चार्ज है यहां पर भी क्यू, इसका मास है एम, है ना, दोनों को रख दें, आइडेंटिकल है, तो इसके बीच में ऑब्वियसली दोनों के बीच में म्यूचुअली रिपल्जिव फोर्स लगेगा, ये बोलेगा भाई तुम्हारे ऊपर कि तुम इधर भाग जाओ, कोई फोर्स जब लगा करके इसके बीच में, डिस्टेंस वगैरह कुछ आर हो जाएगा, रस्सी में टेंशन टी ऐसे बनेगा और इसके बीच में कुछ एंगल मान लेते हैं अगर थीटा बनता है तो इसके ऊपर में एम जी भी ऐसे ही लगेगा, और बाकी हम लोग इससे दोस्ती है हम लोग को कि टी टेंशन अगर ऐसे लगता है, इसको दो हिस्से में तोड़ लेते हैं, ये एंगल थीटा बनता था याद है, तो इसको बोलते थे t का cos थीटा, इधर हो जाएगा t sin थीटा, है ना, ये इस तरह कंडीशन बना हुआ है। हम यहां से एक दो बात तो लिख ही सकते हैं कि t sin थीटा इसके बराबर हो जाएगा, t cos थीटा इसके बराबर हो जाएगा, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे भी, है ना। अभी यहां पर सवाल क्या कर रहा है कि इसी को, ये जो भी मास था इसका डेंसिटी है, मास नहीं दिया है बेसिकली, इसका डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, इसका डेंसिटी दिया है सिग्मा, तो वेट क्या हो जाएगा, सिग्मा भी जी, सिंपल है, सिग्मा भी जी हो जाएगा, है ना, ये सिग्मा इसका मास डेंसिटी दिया हुआ। अभी क्या करें, इसको उठा करके हमने किसी लिक्विड में भर दिया, किसी डायरेक्टिव मीडियम में रख दिया, पूरा का पूरा एपरेटस को डाल दिया, पूरे एपरेटस को उठा करके हम एक ऐसे सिस्टम में डाल दिए जिसका डेंसिटी है ना रो है, ठीक है, जिसका डेंसिटी रो है, तो अब जो म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, अब जो म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स लग रहा है,
इसके वजह से भी बाद में इसके बावजूद थीटा चेंज नहीं होता है, थीटा सेम रहता है। यह बात याद रखना है, थीटा जो है यहां पर सेम है इन बोथ केस, बोथ केस ठीक है, दोनों ही केस में थीटा सेम है। ठीक है देखते हैं, पहला बात तो ये भाई इसके ऊपर फोर्स लगा देगा, तो फोर्स कितना लगेगा, पहला बात तो यहीं पर है कि इसका डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर के है, सॉरी अगर इसका डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है तो इसका फोर्स कितना लगेगा, जो हवा में लग रहा था उसे तो के टाइम्स कम लग जाता था, तो फोर्स यहां पर के टाइम्स कम लग जाएगा। बाकी जो वेट है वो वेट तो हमको दिखेगा ही ना, वेट कितना दिखेगा, सिग्मा वी जी। लेकिन अगर लिक्विड भरे हैं तो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, रो वी जी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब बाकी टी टेंशन तो लगेगा ही, तो क्या क्या बनेगा, यहां पर एक बन जाएगा ये एंगल थीटा ही हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा हमारे पास टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, यहां तक पूरे अच्छे समझ में आया, फिर सुनो कि थेटा इसमें भी और इसमें भी सेम है, लेकिन यहां पर क्या चेंज आ गया, पहला बात तो फोर्स बदल गया क्योंकि डायरेक्ट्रिक मीडियम में डाले हैं, तो डायरेक्ट्रिक मीडियम में डालेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। और सेकेंड नंबर में बॉइंट फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमने मीडियम में डाला है, तो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, ये बॉइंट फोर्स हो गया हमारा। बाकी टी साइन थीटा टी कॉस थीटा तो लगना ही है, तो कह रहा है वही के का वैल्यू बताओ क्या कंडीशन हो जाएगा, के का वैल्यू। तो पहले तो यहां पर से कुछ चीज लिख सकते हैं, यहां से टी साइन थीटा इसके बराबर, टी कॉस थीटा इसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा का वैल्यू एफ और टी कॉस थीटा का वैल्यू सिग्मा इंटू वी इंटू जी हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू हो गया यहां से एफ अपॉन सिग्मा वी जी। यहां पर अगर हम साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, टी साइन थीटा का वैल्यू, तो हो जाएगा हमारे पास एफ अपॉन के, और टी का कॉस थीटा का वैल्यू क्या, टी कॉस थीटा का वैल्यू रो वी जी माइनस, सॉरी सिग्मा वी जी माइनस में रो वी जी हो जाएगा, है ना। और इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां से टेन थीटा का वैल्यू क्या जाएगा, एफ अपॉन के टाइम्स ऑफ सिग्मा वी जी माइनस में रो वी जी हो जाएगा। सिंपल है ना, एफ अपॉन के नीचे आ जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो गया, और दोनों का टेन थीटा बराबर है, इसलिए मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यही हो गया कि एफ अपॉन के जो है वो एफ अपॉन, सॉरी एफ अपॉन सिग्मा वी जी जो है वो के टाइम्स ऑफ, यहां से वी जी को बना रहा है रो माइनस में, है ना, सिग्मा माइनस में रो हो जाएगा। तो एफ से एफ खत्म हो गया, वी जी से वी जी खत्म हो गया, के ऊपर जाएगा तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा माइनस में रो, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, है ना। यही पूछ रहा था डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, हम इसमें एक्सटेंड करेंगे अभी सवाल को, इसको कॉपी करो, है ना, जल्दी से जल्दी कॉपी करो। तो ये जो अगला सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक चार्ज है दो थ्रेड से बंधा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक चार्ज है क्यू, यहां पर भी एक चार्ज है क्यू, इसका मास है एम, यहां से भी मास है एम, और थ्रेड का जो लेंथ है वो कह रहा है बहुत बड़ा है, एल बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर मान लेते हैं एक्स है, उससे सेपरेशन से बहुत ही बड़ा है, यानी कि एक्स हमारा बहुत छोटा है। तो अगर हम बोल दें कि थ्रेड के बीच में टी टेंशन लग रहा है और ये थीटा अगर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स जो हो रहा होगा वो हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, यहाँ से लग रहा होगा एम जी, अभी अभी सीखे, और इधर से हो जाएगा हमारे पास टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये बात तो लिख ही सकते हैं, तो कह रहे चार्ज लीक कर रहा है, इससे चार्ज लीक कर रहा है, इस कारण इसके पास वेलोसिटी और अप्रोच आ रहा है, तो भी अप्रोच का वैल्यू इसने दे कर रखा है कि वो ए अपॉन रूट ओवर एक्स के बराबर है। तो बताओ कि चार्ज किस रेट से लीक कर रहा है, ये निकालना है, ठीक है, एक पूछ रहा है डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू किस रेट से चार्ज लीक कर रहा है। अब ये चार्ज लीक क्यों कर रहा होगा, हवा का पार्टिकल है उसी से टकरा करके चार्ज घटते जा रहा है, घटते जाएगा तो इसके बीच का जो म्यूचुअल जो रिपल्जिव फोर्स है वो घटते चला जाएगा, तो घट जाएगा तो जो सेपरेशन है वो भी हमारा डिक्रीज करता जाएगा, ये कंडीशन है बना हुआ, और कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है। हम यहां से कह सकते हैं कि दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन एट एनी इंस्टेंट, टी साइन थीटा इक्वल टू के का जगह ले सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, है ना, और यहां से ले सकते हैं टी का कॉस थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर, सॉरी सॉरी सर
टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। यहां से आ गया हमारे पास टेन थीटा का वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू एम जी। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़े, हमको चाहिए डी क्यू बाई डी टी। थीटा हटाते हैं, थीटा टेन थीटा, अगर देखो ये ध्यान से कि थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तब, है ना, और टेन थीटा तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा के बराबर, और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर दिख रहा है हमको एक्स बाय टू इंटू हाइपोटेनस एल दिख रहा है, एक्स बाय टू एल हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं एक्स अपॉन टू एल इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर इंटू एम जी। तो यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह करें तो हमको दिख रहा होगा x का q इक्वल टू q स्क्वायर इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट x का क्यूब, x का क्यूब को बाद में लिख लेंगे mg। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा, यहां से जाएगा x का क्यूब और नीचे में रह जाएगा बाय 2l, है ना, इतना ही रहेगा, है ना, दिख रहा है q स्क्वायर इधर आ जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी ऊपर चला जाएगा और एक्स क्यूब यहां चला गया और बाय 12 रह गया। ये हो गया हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे डी क्यू बाई डी आ जाएगा, यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, पहले क्यू निकाल लेते हैं, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा ये सारा, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन 12 आ जाएगा, और यहां पर रूट कर देंगे तो एक्स पावर 3/2 आ जाएगा, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डी क्यू अपॉन डी टी बन जाएगा, जिसके वैल्यू में जिसके बारे में हमको निकालना है। ये पूरा चीज देखो कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, 2L भी कांस्टेंट ही है, m गिवन है, मास भी गिवन है, मास नहीं बदल रहा है, चार्ज लीक कर रहा है, चार्ज घटेगा, g तो फिक्स है, यानी कि पूरा कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको निकाल दे रहे हैं यहां से। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg अपॉन 2L बन रहा है यहां से। x पे पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, nx n माइनस 1 हो जाएगा, तो n x और ये हो जाएगा सीधे से हाफ, है ना, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी भी बन जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से देखने के बाद हमको दिख रहा है कि रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन 2L, और यहां से आ गया हमारे पास 3/2 इंटू रूट ओवर x हो गया, ये x का रूट, है ना, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू इसने दे के रखा है बी अप्रोच, वो ए अपॉन रूट ओवर x है, क्या ये ए अपॉन रूट ओवर एक्स, तो रूट ओवर एक्स से रूट ओवर एक्स कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 3a अपॉन 2 रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन 2l, है ना, दिस इज योर आंसर एंड दैट इज कांस्टेंट। कह रहे अगर ये भी अप्रोच ऐसा है, ये देख लो ये कांस्टेंट है पूरा, ए यानी इसका कांस्टेंट था। इसी सवाल को मॉडिफाई करके AIEEE में पूछा गया था, कि वो मॉडिफिकेशन यही था कि अगर कह रहा है कि लीक जो है ये कांस्टेंट है तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किस तरह से बदल रहा होगा। तो ऑप्शन में था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ हाफ है, यही होगा इसका आंसर। तो सेम अप्रोच था, सेम तरह से बनाना था, हमको बस इसको लिखना था कांस्टेंट, तो अपने आप हमको डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ये जो आएगा ये हमको रूट ओवर एक्स का निगेटिव में आ जाएगा, ये जो यही ना डी एक्स बाई डी टी ये इधर चला जाएगा यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस वाले सवाल है उसको थोड़ा ध्यान समझना है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिंग है कुछ इसी तरह का, ठीक है, और ये चार्ज्ड रिंग है, है ना, ये रिंग है, ठीक है ना, तो चार्ज्ड अगर रिंग है, इसके ऊपर में अगर हम बोल दें कि प्लस 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 चार्ज है ऐसे रखा हुआ, और इसके बीच में ही हम अगर यहां पर एक कोई प्लस क्यू चार्ज रख दें, है ना, स्मॉल क्यू चार्ज रख लेते हैं, और इस पे पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस चक्कर में ये प्लस वाला अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, हम ये दो यहाँ सवाल बनाएंगे बस एक समझाने के लिए, यहाँ पर ये चीज पिक्चर बनाया है, ये प्लस वाला इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, इससे क्या होगा, रिंग में इस तरह से, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में गरीब फोर्स लगा, ऐसे ही फोर्स लगा, है ना, हर एक छोटे छोटे सेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, हर एक सेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है हमारा ऐसे करके, है ना, ऐसे खिंचाने लगे, है ना, बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे,
ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा एनालाइज करें यहां पर कि एक छोटे सेक्शन पर ही बात कर लेते हैं, तो एक छोटा सेक्शन काट लेते हैं, तो ये छोटा सेक्शन हम जो काटने बैठे तो हम एक छोटा सेक्शन देखो इतना बड़ा काट लिए, दिखाने के लिए ये बहुत छोटा सेक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं एकदम छोटा सेक्शन है। इसका एंगल मान लेते हैं ये डी थीटा है, कितना है ये एंगल है हमारा डी थीटा एंगल का, हमें एक छोटा सा सेक्शन काट लिया है ना, एकदम छोटा सेक्शन काटे, इसका वैल्यू कितना है एकदम डी थीटा एंगल का, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि पूरे एक स्ट्रिंग में ऐसे करके टी टेंशन बनेगा, है ना, एकदम ऐसे खिंचा रहा होगा तो टेंशन बन रहा होगा हर जगह से। तो हम अगर इस वाले सेक्शन में बात करें तो इस वाले पॉइंट पर ऐसे करके टी टेंशन बन रहा होगा, टेंशन इधर से भी ऐसे टेंशन टी बन रहा होगा, कोई दिक्कत है। और अगर हम बोलें कि ये एंगल तब बन जाएगा हमारा डी थीटा अपॉन टू एंगल, और ये पूरा अगर परपेंडिकुलर है तो हम दो सेक्शन में काट ही सकते थे, ये डी थीटा बाई टू है तो ये भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा डी थीटा बाई टू, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि इधर एक बनेगा डी टी का डी थीटा बाई टू कॉस थीटा, है ना, इधर ही बनेगा टी साइन डी थीटा बाई टू, इधर बनेगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, इधर एक बनेगा सिमिलरली, इधर ही बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक है यहां तक। और अब ये प्लस वाला इस वाले सेक्शन का इसका चार्ज भी मान लेते, छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू बोल देते हैं इसका चार्ज, इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, हम कह देते हैं कि ये फोर्स इस वाले दोनों ही टेंशन को बैलेंस करके रखा है तभी ये ऐसा है, खिंचाया तो है ही, इसका जो जो तार बना हुआ है ये मेटेरियल भी इसको खींच करके रखा है, उड़ नहीं गया, है ना, इतना फोर्स लगा उड़ गया ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो टेंशन यहाँ पर आया है, वो टेंशन टी का वैल्यू को निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स क्यों लग रहा होगा, इस छोटे से चार्ज के ऊपर इसने कुछ रिपल्सिव फोर्स लगाया होगा, और उस फोर्स को इसने ये जो यहाँ पर टी साइन थीटा लग रहा है ना, टी साइन डी थीटा बाई टू जो लग रहा है, ये डी थीटा में बहुत छोटा एंगल है, ये और ये दोनों ने इसको बैलेंस करके रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि टी साइन थीटा बेसिकली टू टी साइन डी थीटा बाई टू जो है वो इस दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा होगा उसको बैलेंस करके रखा होगा, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो के क्यू सेंटर का चार्ज, उसका चार्ज है डी क्यू अपॉन रेडियस है आर का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो गया होगा यहां तक, और टू टी तक तो ठीक है ठाक है, साइन क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो सीधे लिख सकते हैं डी थीटा बाई टू, इसको यहां से वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी क्यू क्या हो जाएगा, एकदम छोटा सा चार्ज इसका क्या होगा, हम ये कह देते हैं कि पूरा चार्ज इसके पूरे लेंथ में है तो छोटा सा लेंथ का छोटा सा चार्ज होगा, नहीं होगा। अब एक और चीज हम कह सकते हैं कि एक और चीज हम यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हैं कि पूरा जो एंगल बना होगा तो हम कह सकते हैं टू पाई एंगल का चार्ज है क्यू, टू पाई एंगल में चार्ज फैला हुआ है क्यू, तो छोटा सा एंगल कितना है डी थीटा, उसमें है हमारे पास क्यू अपॉन टू पाई इंटू डी क्यू, है ना, सॉरी डी थीटा, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास, यही हमारा हो गया डी क्यू। डी क्यू क्या हो गया, देखो 2 पाई एंगल में पूरा का पूरा चार्ज फैला हुआ है क्यू, तो भाई छोटे से एंगल में कितना चार्ज फैला है डी क्यू, तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ से डी क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा खत्म, 2 से 2 खत्म, तो टी का वैल्यू साफ साफ दिख रहा होगा बाय आर स्क्वायर भी है क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर इंटू टू पाई, ठीक है, दिस इज योर टी टेंशन, समझ में आ गया, इतना सा टी टेंशन बना होगा, कोई दिक्कत है, कॉपी करो। कुछ अच्छा सा सवाल लगा लिए अब तक है ना, उम्मीद करते हैं बैठे होंगे सब, सांस नहीं रुका होगा। अब एक दो कन्वेंशनल चीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जिस पर डिस्कशन होना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है ना,
हम इन दोनों को के बीच का अगर हम मान लेते हैं कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिए, तो हम जानना चाहते हैं कि इसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों का एक कंपेरिजन करना चाहते हैं कितना लग रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपेरिजन करना चाहते हैं इस दोनों में, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, पहला चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, दूसरा चार्ज होगा वो भी हमारा 1.⁻¹⁹, और डिस्टेंस है 1 × 1। ठीक है यहां तक। अगर हम कह दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बात कर दें दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच का जो मास होगा उसके लिए तो पहले लिखेंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, एफ जी बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर जी पहला मास दूसरा मास बाय आर स्क्वायर, और जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻¹⁹, पहला मास दूसरा मास बाय आर स्क्वायर, है ना, ये ना जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 6.67 × 10⁻¹⁹ इंटू पहला मास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का मास क्या बताए थे पिछले क्लास में, बताया था 6.725 × 10⁻²⁷, दूसरे का मास हो गया 9.11 − 31 kg अपॉन दोनों की डिस्टेंस 1 × 1। हम चाहते हैं दोनों को डिवाइड कर दें, तो एफ ई अपॉन एफ जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, है ना। तो साफ साफ दिख रहा होगा कि 9 × 1.6 × 1.6 बन रहा है इंटू 10⁻¹⁹, 19 × 19 38, और ये 9 हो गया हमारे पास प्लस में, तो कितना हो जाएगा 29, माइनस में 29 आ रहा है। अब बाय नीचे में कितना आ रहा है देख लो ध्यान से, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, होगा 6.67 × 1.67 × 6725 × 9.11 × 10⁻¹⁹ कितना आ रहा है देख लो यहां से 69 है ना, माइनस में 69 आ रहा है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ये बहुत ही कचरा चीज आ रहा है कि 9 × 16 = 2.56 आ जाएगा ये हमारे पास रिजल्ट इसमें, और यहाँ सारा लगभग लगभग 10 मान लेते हैं इसको, तो 10 से 16 हो जाएगा, यहाँ पर से 16 × 7 है ना, लगभग लगभग 12 के आसपास में आ जाएगा, है ना, ये 112 के आसपास में आ जाएगा ये, इंटू 10⁻⁶, ऊपर में ही लिख लेते हैं 29 और 69 में से ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना 40 है ना, माइनस में 40 बचेगा, और ये हो गया हमारे पास। साफ दिख रहा होगा कि लगभग लगभग 10⁻⁴ माइनस में 39 बन रहा है, माइनस कहां से प्लस में 39 बन रहा है ये रेशियो। इसका मतलब यही हुआ कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो देख लो कितना ज्यादा है, मतलब नहीं दिख रहा, मतलब बेसिकली क्या कहना चाहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10⁻³⁹ टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हम बस ये समझाना चाह रहे थे, ये कन्वेंशनल सवाल भी है, एक छोटा अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी है, हमको पावर से मतलब था, हम बस इतना समझाना चाहते हैं, हम लोग को यहाँ पर देखना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही हैवी फोर्स है रेदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इसी के ऊपर डिस्कस करें इस चीज के ऊपर, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा ये कितना है, अगर हम ये चीज समझें, अगर हमारा ही मास है हमारे बॉडी में, जो भी हमारे पास मास है, हम इसमें से अगर हमारे बॉडी का मात्र 1% भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल दें कहीं पर, 1% इलेक्ट्रॉन भी निकाल करके हम अपने बॉडी से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दें, तो हम दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होना चाहिए, आई थिंक इससे अर्थ उठ सकता है, अर्थ को होल्ड कर सकता, इतना मात्र 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम अपने बॉडी से निकाल दें, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम अपने बॉडी से 1% इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकाल देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करवा देगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। दूसरा बात ये भी है कि हम देखते हैं कि हर चीज, जैसे कि कोई बिल्डिंग बना हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है,
सिविल इंजीनियरिंग वगैरह की बात होती है, हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर तैयार है, कोई बहुत बड़ा बड़ा बॉडी है तैयार, बुर्ज खलीफा तैयार है, देख लो दुबई का, ठीक है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जो अमेरिका का वो जो ढह गया, या फिर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह हैं, या फिर हमारे शहर में जो भी फ्लाईओवर वगैरह है, वो सब कैसे, वो स्ट्रक्चर बना हुआ कैसे है, तो उसके बीच में क्या है जो कि उसको होल्ड करके रखता है, भूकंप आता है तो एकदम हिलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाइब्रेशन कौन क्रिएट करवा रहा था, इस सब के पीछे इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यही रीजन है वहाँ पर, वो खिंचाता है, हिलता भी है, वही वही उसके स्ट्रेंथ का मेन पावर है, बहुत बड़ा है ये फोर्स, बहुत ही बड़ा है रेदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आ रही बात। तो यही था पूरा का पूरा कूलम्ब लॉ के ऊपर स्टडी डिस्कशन, जितना भी था हम लोगों ने सीख लिया हुआ है, ठीक है, तो कूलम्ब लॉ सीख लिए, हम लोग का 4 लेक्चर पार हो गया है, नेक्स्ट डे से हम लोग बात करेंगे थोड़े अच्छे प्रूफ्स के ऊपर, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात करेंगे उसके बाद, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर, घंटा उंटा सब बजा दो, लगे रहो, ठीक है, बाय।